वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आंसर एवरीथिंग यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने बैकग्राउंड में यूट्यूब म्यूजिक कैसे चला सकते हैं, ताकि आप अपने स्मार्टफोन पर वीडियो देखे बिना म्यूजिक सुन सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। बैकग्राउंड में यूट्यूब म्यूजिक चलाने के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो करें, आप आसानी से बैकग्राउंड में यूट्यूब म्यूजिक चला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप अपने स्मार्टफोन के क्रोम ब्राउज़र में जाएं। यहाँ से हम अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। अब क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आप यहाँ पे आपको एक यूट्यूब का ऑप्शन दिख रहा होगा। अपने यूट्यूब के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। यूट्यूब के इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा। आप यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करिए। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नीचे स्लाइड करके आइए। यहाँ पे आपको डेस्कटॉप साइट दिखेगा। डेस्कटॉप साइट अनुरोध करने के लिए इस पर क्लिक करें। अब यहाँ से आपके क्रोम ब्राउजर डेस्कटॉप साइट में बदल जाएगा। तो डेस्कटॉप साइट में बदल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जो भी म्यूजिक अपना प्ले करना है यहाँ से आप प्ले कर दीजिए। यहाँ से आपको जो भी म्यूजिक चाहिए यहाँ से आप प्ले कर सकते हैं। यहाँ से अपना YouTube म्यूजिक प्ले करने के बाद ये देखिए, यहाँ से डेस्कटॉप साइट है तो यहाँ पे छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे YouTube म्यूजिक प्ले हो रहा है। अब देखिए, यहाँ पर YouTube म्यूजिक आपका प्ले हो चुका है डेस्कटॉप साइट में। अब आप अपने होम बटन को दबा दीजिए। होम बटन के दबाने के बाद आप अपने फ़ोन में कुछ भी कीजिए, आपका काम हो चुका है। अब अपना नोटिफिकेशन बार यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखिए, नोटिफिकेशन बार में जो आपने सॉन्ग प्ले किया था वो आ गया है। आप यहाँ पे क्लिक करके अपना सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि कुछ ब्राउज़र में होम बटन दबाने से वीडियो रुक जाता है। ऐसा तभी होगा जब आप नोटिफिकेशन बार से यहाँ से बंद रहेगा। तो अपने नोटिफिकेशन पैनल को यहाँ पे ऑन करके इस वीडियो म्यूजिक को ऑन कर लीजिए। आपका वीडियो प्ले होने लगेगा और आप अपने फ़ोन में कुछ भी कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।